रोज़ साथ के अंदर ये इलायची होती है, बादाम है, डेट्स हैं, इंजीर है, और इसमें मैं डालती हूँ क्या कहते हैं वो सफ़ेद पीसे हुए मखाने और अलसी की। इसमें किशमिश भी होती है, बट आज किशमिश मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। सुबह इसका शेक बना के राहिल को देती हूँ दूध के अंदर। अभी ये रात में भिगो दूँगी मैं पानी के अंदर और सुबह में ये शेक बन जाएगा। अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले ये दूध के अंदर शेक बना के इनको देती हूँ, उसके बाद में फिर एक घंटा आधा घंटे के बाद ये ब्रेकफास्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे फ्राइडे की मॉर्निंग हो चुकी थी तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी और बच्चों का आज कलरफुल डे था स्कूल के अंदर, तो बच्चों को कलरफुल ड्रेस पहन के जाने थे, तो बस उसी की तैयारी और बच्चों को रेडी करते हैं हम चल के। यहाँ बच्चों की स्कूल की वैन आ चुकी थी तो बस बच्चों को स्कूल के लिए रवाना कर रही थी कि ये खैरियत से स्कूल पहुँच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे नहीं, मुझे थोड़ा सा दर्द है, मुझे दांत में बहुत शदीद सा दर्द हो रहा है, तो बस अभी डॉक्टर के जाऊंगी। भाई को बुला है, भाई आएंगे ऑफिस से, तो अपने भाई को लेके जाऊँगी अभी ऑफिस। साहब के साथ इसलिए नहीं जाऊँगी, मेरे साहब बच्चों के पास रुकेंगे, बच्चों का हॉस्पिटल में कोई काम नहीं होता, तो बस उनको घर छोड़ेंगे और मैं जाऊँगी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं नाश्ता बच्चों के साथ ही कर लिया था आज सुबह मैंने, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ फिर उठ के इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। आप सबको बहुत सारा जुम्मा मुबारक। रात से मुझे दांत में दर्द हो रहा है तो मैंने कहा चले डॉक्टर को दिखा देती हूँ। भाई यहीं करीब जाते हैं ऑफिस, तो वो जल्दी आ जाएंगे, वो मुझे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर मेमुना खान ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए, और बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, प्यार दिखाते रहें, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा एक दिन। तो बस अब चलें किचन में चलते हैं। मैंने सोचा है कि हल्का फुल्का से कुछ बना लेते हैं, लेकिन देखते हैं क्या बनाते हैं। पहले सोच रही थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन आज जुम्मा है, बच्चे भी जल्दी आएंगे, तो चलें देखते हैं किचन में चलते हैं कुछ बनाते हैं। हम किचन में आ चुके हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अंडे का कुछ सालन बना लेते हैं, क्योंकि जल्दी में वो ही बनेगा और बच्चे आने वाले हैं, तो चले नाश्ते की तैयारी करते हैं और फिर शाम में देखेंगे कुछ बना लेंगे या कुछ ये बच जाएगा तो वही खा लेंगे। तो आज सिंपल ही रखते हैं क्योंकि तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही मेरी, तो चलें नाश्ता बनाते हैं फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं। जुम्मा है, नमाज़ भी पढ़नी है, बच्चों को भी जुम्मे की तैयारी करवानी है। बच्चों का स्कूल में कलर्स डे था तो बच्चे स्कूल आज कलरफुल सूट ड्रेस पहन के गए थे, पढ़ाई भी थी, लेकिन आज वो कलर्स डे था, कुछ एक्टिविटीज़ थी बच्चों की, तो बच्चे उनको भूख भी लग रही होगी, तो आज चलें थोड़ा सा आज अंडों का खागीना टाइप बनाते हैं और साथ ही पराठे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सालन बनाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौन से वाले को लगी हो मैं? चलो इसको अभी दवाई लगाते हैं, पावरडिन लगा के भी पॉलीफ्लेक्स लगा देते हैं। कौन सा डांस कर रहे हो? हॉस्पिटल चली गई थी, मुझे अपने टीथ चेक करवाना था, जो मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था। भाई के साथ गई थी कि राहिल बच्चों के पास बैठे हुए थे, बच्चे हॉस्पिटल में तंग करते हैं, फिर वहीं से हमने करीब में मेडिसिन लेनी थी, तो हमेशा मैं मेडिसिन यहीं से लेती हूँ,
कुछ मेडिसिन ली मैंने, फिर कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ले ली, और भाई को भी कुछ मेडिसिन लेनी थी तो भाई ने अपने भी मेडिसिन ली। मैं मेडिसिन लेके बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत शदीद मेरे दांतों में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया था कि 3 दिन के बाद आके चेक करवाना, वैसे ऐसा कोई मसला नहीं है। चल आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआ में याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डॉक्टर के पास हो आई थी, डॉक्टर ने कहा हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खाएं तो ठीक हो जाएंगी। तो बस वो भाई के साथ जाके मैंने उधर से मेडिसिन वगैरह भी ले ली थी, और अब देखिए उन्होंने मुझे 2 दिन के 2 या 3 दिन के बाद बुलाया, 3 दिन की मेडिसिन दिए, एंटीबायोटिक दिए। तो अगर ठीक हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, नहीं ठीक होगा तो फिर चले ही जाएंगे। मैंने कहा चले मैं आराम करने से पहले एंडिंग ले लेती हूँ, फिर अपलोड भी करना है। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी, और बस आप लोग दुआ में याद रखिए, ऐसी प्यार दिखाएं और बस सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।